विंग में मैं राहुल भाई फायर भाई जी। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे राहुल जाखड़। मैं थोड़ी ना ठीक है दोनों टीमों का एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर अजय भाई वीरेंद्र गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। वीरेंद्र बल्लेबाज नेम स्ट्राइक पे है मुकेश, नॉन स्ट्राइक पे है साहिल। छह ओवरों का यह मैच बड़ा ही जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को डिंग मंडी के इस खूबसूरत ग्राउंड पर। बड़ी अच्छी प्रतियोगिता चलती हुई भाई सुनील बैनीवाल की याद में ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है। नौ बॉल पहली गेंद अंपायर ने इसे नौ बॉल करार दिया तो एक्स्ट्रा के साथ खाता खुलता हुआ यहां पर। तो बुर्जा का एक बार फिर से वीरेंद्र चले अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद और इस बार खेला है फील्डर सामने मौजूद अच्छी फील्ड लेकिन थ्रो गलत हुआ जिसका नतीजा दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर इस एक रन के साथ दो रन छह ओवरों का ये मैच पहली इनिंग का खेल चलता हुआ पहला ओवर। वीरेंद्र ये गेंद और बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया फील्डर नीचे कैच ड्रॉप और एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन। कैच होना चाहिए था ये और चार रन भी मिले। अच्छी फील्डिंग दिखानी होगी यहां पर सभी प्लेयरों को अगर मैच में बने रहना। तो एक बार फिर बेहतरीन ड्राइव इसी बल्लेबाज का कैच थोड़ा और इसी ने देखिए ऐसे कामयाबियां भुगतना पड़ता है आपको अगर आप ऐसी फील्डिंग करेंगे। तो स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बेहतरीन स्कोरर हमारे दीपक। एक बार फिर लोगों बाउंड्री की तरफ देखिए आपके कैच का नतीजा लगातार दो चौके और लगे स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन पहले ओवर का खेल चलता हुआ लगातार तीन चौके चौकों की हैट्रिक लगा चुके हैं साहिल। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चौबुर्जा की तरफ से एक बार फिर वीरेंद्र की एक गेंद साहिल के लिए इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे अच्छी गेंद। तो स्कोर है 14 रन पहले ओवर का खेल चलता हुआ सामना कर रहे हैं साहिल। वीरेंद्र चले अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद साहिल के लिए और इस बार फिर से बेहतरीन ड्राइव लॉन्गो बाउंड्री की तरफ मिस फील्ड जिसका नतीजा चार रन स्कोर इन चार रनों के साथ 18 रन पहले ओवर का खेल समाप्त। एक ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 18 रन चौबुर्जा पहले बल्लेबाजी करता हुआ। बॉलर नेम जस्सी कोटे का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर कर रहे हैं जस्सी ये गेंद और इस बार उठाकर खेला है फील्डर नीचे जा रहे हैं और कैच ड्रॉप दोनों बल्लेबाजों को एक एक जीवनदान मिल चुका है। साहिल ने तो अपने स्ट्रोक दिखाए थे अब देखना है मुकेश भी इस जीवनदान का कितना फायदा उठा लेते हैं। दोनों ओपनर बल्लेबाज
और दोनों बल्लेबाजों को एक एक जीवनदान मिल चुका है। एक बार फिर ये गेंद जस्सी की, इस बार बेहतरीन ड्राइव किया, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फील्डर है सामने, एक रन स्कोर पहुंचा इस एक रन के साथ 21 रन। जस्सी कोबर नेपालपुर की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं जस्सी इस गेंद के साथ, और क्लीन एंड क्लियर बोल्ड यहां पर साहिल की पारी का अंत होता हुआ, क्लीन बोल्ड किया यहां पर जस्सी ने, माना मुकेश का पहली गेंद में टूट गया था, लेकिन इस बार अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाते हुए क्लीन बोल्ड किया यहां पर साहिल को। साहिल ने चार चौकों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, बेहतरीन चौके थे चारों, पहले इनको जीवनदान मिला और चौका गया, उसके बाद लगातार स्ट्रोक बहुत ही शानदार, चार चौके थे इनकी पारी में। अरविंद आए हैं साहिल का स्थान लेने के लिए, चौबुर्जा की तरफ से रनअप पर तैयार है जस्सी, फील्ड देखते हुए अरविंद, अब जस्सी चले अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद इस बार बेहतरीन ड्राइव, थोड़ा मिस फील्ड हुआ, रन लेना चाहते थे मुकेश लेकिन नकारा यहां पर अरविंद ने। नेपालपुर की तरफ से अच्छे साबित होते हुए यहां पर जस्सी, एक बार फिर ये गेंद, इस बार नौ बॉल और चार रन, इस तरह से पांच रन मिले यहां पर चबुर्जा को, टोटल स्कोर पहुंचा इन पांच रनों के साथ 26 रन, दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। जस्सी की एक गेंद, ब्रीट गेंद थी, एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर पहुंचा इस एक रन के साथ 27 रन, दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, छह ओवरों का ये मैच जिसमें चौबुर्जा पहले बल्लेबाजी करता हुआ, नेपालपुर गेंदबाजी और ऑफ टाइम से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, स्कोर इस एक्स्ट्रा रन के साथ 28 रन, दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, एक विकेट यहां पर साहिल की आई है जिन्होंने चार चौकों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। एक बार फिर इस बार बेहतरीन ड्राइव, बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन। सुधीर जहां कहीं भी आवाज सुन रहे हो कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। सुरेंद्र वीरेंद्र दोनों आए भाई, वीरेंद्र आए बोल लो, वीरेंद्र पहला वाला। दो ओवरों की समाप्ति पे टोटल स्कोर है 32 रन, दो ओवर 32 रन, एक विकेट चौबुर्जा, छह ओवरों के मैच में दो ओवरों की समाप्ति पर पहले बल्लेबाजी करता हुआ एक विकेट के नुकसान पर 32 रन स्कोर। अब आए हैं वीरेंद्र कोटे का दूसरा, टीम की तरफ से तीसरा ओवर करेंगे, सामना करेंगे अरविंद, ये गेंद बेहतरीन ड्राइव किया है, गेंदबाज ने सीमा रेखा की तरफ, फील्डर है सामने, एक रन लिया, दूसरा जूतों से लगाया, तीसरा उठाया, दो ही मिलेंगे, तो स्कोर पहुंचा 34 रन, मिस फील्ड यहां पर, बेहतरीन फील्डिंग जरूर करनी होगी, दिखानी होगी यहां पर अगर रनों पर अंकुश लगाना है तो। इस बार फिर से बेहतरीन ड्राइव किया है, फील्डर है सामने, एक रन,
अच्छी बल्लेबाजी यहां पर चौबुर्जा की तरफ से, जैसा स्कोर वो चाह रहे हैं वैसा बन रहा है धीरे धीरे। वीरेंद्र अगली गेंद के साथ, और इस बार उठाकर खेला हुआ फील्डर नीचे और कैच ड्रॉप, यानी तीन बल्लेबाजी करते हुए तीनों को एक एक जीवनदान, जो आउट हुआ उसको भी जीवनदान मिला, वन डाउन के रूप में आया उसको भी मिला। वीरेंद्र की एक गेंद, इस बार कवर बाउंड्री, एक रन दूसरा रन लेना चाह रहे हैं और दो रन पूरे, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, तो स्कोर पहुंचा इन दो रनों के साथ 38 रन। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ, सामना कर रहे हैं अरविंद, चले ये गेंद वीरेंद्र की अरविंद के लिए, बेहतरीन गेंद इस बार, बहुत ही अच्छी गेंद बीट किया यहां पर अरविंद को, तीन बल्लेबाज चौबुर्जा की तरफ से आए हैं अभी तक, तीनों को जीवनदान मिला। इस बार बेहतरीन गेंद थी लेकिन अच्छा शॉट मिस फील्ड हुआ, लॉन्गो बाउंड्री पर थ्रो किया, तब तक एक रन पूरा किया, स्कोर पहुंचा इस एक रन के साथ 39 रन, 39 लॉस ऑफ वन विकेट चौबुर्जा, बैट फर्स्ट। वीरेंद्र तीन ओवरों की समाप्ति पे टोटल स्कोर 39 रन एक विकेट के नुकसान पर, 6-6 ओवरों का ये मैच। विकास कोटे का पहला, टीम की तरफ से चौथा ओवर करेंगे, सामना करेंगे अरविंद। विकास की एक गेंद अरविंद के लिए, टप्पा खाने के बाद बड़ी ही जबरदस्त उछाल लेती हुई बीट किया यहां पर अरविंद को, पहली गेंद तो अच्छी डाली है, आगे देखना है। ये गेंद इस बार उठाकर खेला है लॉन्गो बाउंड्री की तरफ, फील्डर नीचे, कैच ड्रॉ, दो रन लिए, तीसरा रन लेना चाह रहे हैं और तीन रन, ये तो बल्लेबाज ने ध्यान नहीं किया, नहीं तो चार रन होते। अभी तक चौथा पांचवा कैच छूटा है इन बल्लेबाजों का, बॉलर क्या करे। इस बार बेहतरीन शॉट लगाया है, फील्डर है सामने, एक रन लिया और नकारा यहां पर अरविंद ने, स्कोर है इस एक रन के साथ 43 रन। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक चौबुर्जा की तरफ से, लेकिन खराब फील्डिंग कहूंगा मैं, नेपालपुर की तरफ से कैच पे कैच छोड़े जा रहे हैं। एक बार फिर उठाकर खेला है, इस बार वीरेंद्र नीचे, दो रन पूरे किए, मिस फील्ड होता है वहीं पर, दो या तीन रन मिल रहे हैं यहां पर चौबुर्जा के बल्लेबाजों को अच्छी रनिंग करते हुए। एक बार फिर अगली गेंद के साथ अरविंद के लिए, इस बार उठाकर खेला लॉन्गो बाउंड्री की तरफ, फील्डर नीचे और इस बार बेहतरीन कैच, क्योंकि हर बार भी आपको जीवनदान नहीं मिल सकता, दो कैच आपके पहले ही छूट चुके थे। क्या नाम है? फील्डर भी जानते हैं, इतना बेइज्जत भी नहीं होना चाहिए, भाई बेस्ट मैन है। मैच को स्टेडियम में हर इंसान देखता है जो बैठा है, ये क्या था, अवर
चार आरोप इस मैच की तो टोटल स्कोर है 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर चौबुर्जा। पहले बल्लेबाजी करता हुआ सुभाष आए हैं अरविंद का स्थान लेने के लिए। अब आए हैं जस्सी बट्टे का दूसरा टीम की तरफ से 5वां ओवर करेंगे। भाई जो कोई पानी वाला डब्बा लेके गया है वो वापिस रख दे। ड्रम के ऊपर जैसे लेके आया वैसे वापिस रखवा दो भाई। जस्सी अगली गेंद के साथ इस बार ड्राइव किया बेहतरीन और मिस फील्ड, जूतों के लगी, छोर बदला गेंद ने। ये तो लॉन्ग ऑन पे फील्डर था, नहीं तो गेंद सीमा रेखा के बाहर होती। जस्सी इस ओवर में अगली गेंद के साथ इस बार उठाकर खेला है गेंद आ रही है सीमा रेखा की तरफ और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, 6 रन, तो 6 रनों के साथ स्कोर 53 रन, 50 पूरी यहां पर चौबुर्जा की। जस्सी है गेंदबाज सामना कर रहे हैं मुकेश, ओपनर बल्लेबाज आए थे ये। अभी तक क्रीज पर मौजूद, अच्छी बल्लेबाजी दिखाते हुए जस्सी अगली गेंद के साथ ये गेंद और इस बार बेहतरीन ड्राइव किया है फील्डर सामने, 1 रन लिया, दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन नकारा, तो 1 रन से ही संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 5वें ओवर का खेल चलता हुआ। जस्सी अगली गेंद के साथ इस बार बेहतरीन गेंद, थकाया यहां पर सुभाष को, नतीजा डॉट गेंद, स्कोर है 54 रन। जस्सी लंबे रन अप के साथ इसके बाद अंतिम ओवर शेष, देखना है कितना स्कोर दिखा पाते हैं चौबुर्जा। यहां पर ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति पे टोटल स्कोर है 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे साहिल और अरविंद, दोनों ने ही अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए। मुकेश सामना भी शायद मुकेश ही करेंगे, दोनों मुकेश, कौन किस पे भारी, दांव लगाना जारी। चले अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद और मेरे को लगता है बल्लेबाज मुकेश भारी आज तो, 9 बॉल और 4 रन, 9 बॉल 4 रन यानी 5 रन मिले यहां पर बिना किसी गेंद के, स्कोर पहुंचा। दो चार ईसा दर्शक आ गया तो मन लगा जीता जाता है, कोई नहीं मार ला टेंट पड़ुआ होगा। एक बार फिर मुकेश, मुकेश के लिए इस बार फिर से बेहतरीन ड्राइव, बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, 6 रन। ओपनर बल्लेबाज आए थे ये और लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद के साथ मुकेश, मुकेश के लिए फिर से उठाकर खेला है फील्डर जस्सी जा रहे नीचे, कैच ड्रॉप हुआ शायद होता भी नहीं भाई घूम के और इतना कैच नहीं होता ये, फिर भी अच्छा प्रयास, बहुत ही बेहतरीन प्रयास था जस्सी का कैच के लिए। स्कोर है 66 रन, मुकेश इस बार फिर से मुकेश के लिए और इस बार बेहतरीन ड्राइव फील्डर नीचे, कैच आउट। इस तरह से एक मुकेश पहले भारी था,
दो गेंदों तक। अब गेंदबाज मुकेश भारी पड़ा। क्या नाम है? कैच आउट। अब बल्लेबाज आए हैं मुकेश, ट्रिपल मुकेश हो गया। कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिया परमात्मा ने, तीनों ही मुकेश आए हैं। वाह जी वाह, एक मुकेश पहुंचा नहीं, दूसरा उसके पीछे, तीसरा गेंदबाजी पे, क्या बात है। रन आउट। सीताराम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, एक हमारे भी सीताराम हैं, सीताराम भाटी, दो दिन तक दिखाई दिए, अब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं। मुकेश तैयार हैं, सामना करेंगे सीताराम। मुकेश तले, अंपायर को क्रॉस किया सीताराम के लिए ये गेंद, और सीताराम ने ड्राइव किया, फील्डर सामने, अच्छी फील्ड, लेकिन पहुंच गए, रन पूरा हुआ, स्कोर पहुंचा 69 रन। अगली गेंद मुकेश की, इस बार नीचे रहती हुई गेंद, वाइड करार दिया और दो रन यहां पर। हाँ समझ गया भाई जी, चिंता ना करो। फिर से इस बार रन लेना चाह रहे हैं, देखना है क्या होता है। इस बार सीताराम, नाम बड़ा अच्छा है सीताराम, लेकिन ये मैंने जितने सीताराम देखे मेरी तरह अपना हिंदी में क्या कहे, थक लिया भाई ना, सारा सीताराम बेरे नहीं तो भैया, परमात्मा शरीर ही सदी है। तो टोटल स्कोर बनाया है कबूतरों ने 71 रन, जीत के लिए बनाने हैं 72 रन। ये संजोग ही है शायद, इससे पहले भी डिंग अल्लाह बोल ने 71 रन बनाए थे, 72 रन बनाने थे सामने वाली टीम को, और अब देखना है। तो बुर्जा ने बनाए हैं 71 रन, नेपालपुर देखना है कैसी बल्लेबाजी करता है, और आगे कहां को देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर सुशील राड। हेलो, तीन फिल्टर जाइए भाई रे, तू चल जाए एक तो। हेलो, भाई ओपनर नाम बताइए। बहुत ही अच्छा मैच, नो स्ट्राइक, बहुत अच्छे हमारे दर्शक और सभी दर्शकों को नए साल की राम राम, धन्यवाद। यहाँ पहुंचे राणिया और खेरा, कप्तान अजय,
बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। रानिया वर्सेस खेरा, दोनों कप्तान आकर टॉस कर ले। भाई बोलो नाम क्या है? नेपालपुर का एक एक्स्ट्रा प्लेयर है जो भाई, नेपालपुर। नेपालपुर का जल्दी से एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाओ। पुनीत शर्मा, बॉलर नेम भैया अरविंद। बहुत अच्छी टीम है दोनों ही। मुकेश और रवि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कवर एक्स्ट्रा कवर थर्ड मैन गली स्लिप, इस तरह की फील्ड के साथ अपनी पहली बॉल में चले अरविंद। अंपायर को क्रॉस किया, पहली बॉल अच्छा शॉट लेकिन पॉइंट पे क्या आउट हो गए। जी हाँ, कोई गलती नहीं की, लगने वाला पहला बड़ा झटका। अच्छा आउट है ये, ड्रॉप हो गए। कैच ड्रॉप हुआ, बहुत अच्छे बल्लेबाज है। अगर ये कैच हो जाता मुश्किल में पड़ जाती बल्लेबाजी, ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज। चले अरविंद, अच्छी बॉल लेकिन दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा। रानिया ने टॉस जीत लिया, डिसीजन पेंडिंग। राम सिंह बौरी, राम सिंह जी बौरी जहां कहीं भी हो, रणबीर जी भंबू इंतजार करें आपका। अच्छी बॉल परेशानी में डालते हुए बल्लेबाजों को, फील्डिंग काफी इनकी खराब रही थी, पांच कैच भी छोड़े थे उन्होंने। बजरंग बस्ती एनसी अपने रनअप को धीरे धीरे कम करते हुए, अगली बॉल अरविंद की, अच्छा ड्राइव, फील्डर वहां पे तैनात, अच्छी फील्डिंग। पांच जो कैच ड्रॉप किए थे उनके बाद 71 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी की। और अब अगली बॉल, नेपालपुर को बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। देखे थे दर्शकों ने, चौके छक्के लगाए थे, पिछली जो इनिंग थी उसी तरह उसी अंदाज में खेलना पड़ेगा। बहुत तेज तरार बॉल परेशानी में डालते हुए बल्लेबाज को। चले अंपायर को क्रॉस किया, अगली बॉल अच्छा शॉट, फील्डर वहां पे तैनात, जब तक की फील्ड करके थ्रो करते एक रन, और इस एक रन के साथ ही स्कोर 4 रन। भाई बोलर नेम, बोलर नेम मुकेश आए हैं नया ओवर लेकर। पहली बॉल अच्छा ड्राइव, क्या कैच में तब्दील करेंगे। लेकिन बाउंड्री रोक ली उन्होंने, अच्छी फील्डिंग।
उनकी पहुंच से दूर थी, अगर डाइव लगाते तो कैच भी हो सकता था। मुकेश चले और क्या चले, कलीन बोर्ड करने के लिए चले। यॉर्कर बॉल थी जिसे लेफ्ट साइड में खेलना चाहते थे, कहीं बॉल कहीं बैट, नतीजा बोर्ड आउट। राजेंद्र आए हैं नए बल्लेबाज, बॉल कहीं थी बैट कहीं था इसीलिए बोर्ड आउट हुए। अगली बॉल, अच्छा ड्राइव और अच्छा क्या ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। आते ही अपने रंग दिखाने शुरू किए। शॉटोप्लेन गेंद थी, क्या भरपूर उसका फायदा उठाया 6 रनों के लिए। अच्छा ड्राइव और फील्डिंग देखिए, खराब फील्डिंग। दो फील्डर थे, दो फील्डर थे, दोनों के ऊपर से निकल गई बॉल। अगली बॉल, ओ किनारा लिया था, हमें सुनाई दिया था किनारा तो था लेकिन कैच में तब्दील नहीं कर पाए, कैच ड्रॉप किया। तेज तरार बॉल थी जिसे सामने की तरफ खेलना चाहते थे, बाहरी मोटा किनारा लिया, कैच में तब्दील कर सकते थे, कैच ड्रॉप। अगली बॉल, स्कोर 16 रन, 2 ओवर की। अरविंद, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 16 रन। अरविंद आए हैं अगला ओवर लेकर और सामना करेंगे राजेंद्र, जिन्होंने आते ही पहली ही बॉल पे 6 लगाया था। क्या करते हैं अगली बॉल का देखने के लिए एक बार फिर से चलते हैं बीच ग्राउंड में। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं हमारे पास जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं राजेंद्र। सूर्यदेव ने भी अच्छा साथ दिया सुबह से, बहुत कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन क्या खूबसूरत बॉल। अच्छा ड्राइव, क्या कैच कर पाएंगे। जी हाँ, पोजीशन अच्छी थी, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में उछाल कर खेलना चाहते थे राजेंद्र, अच्छे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। राजेंद्र आउट और अब आए हैं वीरेंद्र, सामना करेंगे अरविंद की अगली बॉल का। अरविंद एक विकेट की खुराक के बाद अच्छा ड्राइव, अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड, नतीजा 1 रन और। अगली बॉल और तेज तरार बॉल, बल्लेबाज देखते हुए कि ये क्या हो गया, लेकिन क्लीन बोर्ड हो गए हो आप। अब मुकेश कुछ खास कर नहीं पाए, 4 रन बनाए।
जब फील्डिंग कर रही थी नेपालपुर, फील्डिंग बहुत अटपटे ढंग से, पांच कैच ड्रॉप किए थे, फील्डरों के नीचे से बाउंड्रियां भी गई थी, खराब फील्डिंग, नतीजा 71 रन। अच्छी तेज तरार बॉल डालते हुए अरविंद, तीसरे ओवर का खेल जारी, स्कोर 17 रन, धीरे धीरे 17 रन। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर 17 रन, एक ही रन दिया और दो विकेट। बहुत अच्छी बॉलिंग की, और पिछला जो मैच था हल्ला बोल, हमारी डिंग की टीम, पुराने खिलाड़ी दिखाई दिए दर्शकों को, और क्या खूब दिखाई दिए, आगे भी देंगे क्योंकि वो जीत चुके हैं। सुचान को बाहर का रास्ता दिखाया था, इसी बीच लोंगो फॉर एक्स्ट्रा कवर के बीच 4 रन, नहीं रोक पाएंगे तेज तरार, तो क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, देखा कि थोड़ी सी खराब बॉल है, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से 4 रनों के लिए। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएंगे, बॉलर को नाम दिया विजय, नन्हे मुन्ने विजय, थोड़ी सी खराब बॉल थी 4 रनों के लिए, दे मारा बल्लेबाज ने, अच्छा ड्राइव, फील्डिंग अच्छी विजय की, लेकिन विजय क्या करे, जो एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी हैं वो खराब फील्डिंग करते हुए, बॉलर थोड़े नाखुश, क्योंकि आप अगर फील्डिंग सही करोगे तो बल्लेबाजों के ऊपर दबाव होता है। अगली बॉल विजय की, तेज तरार बॉल, वापसी करते हुए विजय, वीरेंद्र सामना करेंगे नन्हे मुन्ने विजय बजरंग बस्ती एंड से। अगली बॉल, अच्छा ड्राइव, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग, एक ही है ना, अरे एक ही है, खिली हुई धूप, शांत वातावरण, खचाखच भरता हुआ स्टेडियम, क्यों नहीं डिंग मंडी का एक और मैच देखने को मिलेगा। अगली बॉल विजय की, अच्छा ड्राइव बॉलर के सर के ऊपर से, क्या रोक पाएंगे, जी हाँ अच्छी फील्डिंग, कभी धूप कभी छाओ, और कितना अच्छा और बढ़िया हमारा डिंग मंडी गांव, अच्छे दर्शक, स्कोर 26 रन। विजय ने अच्छा ओवर किया, नन्हे मुन्ने विजय लॉन्ग ऑफ पे तैनात, और ये देखिए खराब फील्डिंग, वाइड का भी इशारा, विकेट कीपर भी चूके, थर्ड मैन भी, मुकेश चले, अगली बॉल मुकेश की, अच्छा बिल्कुल नियंत्रण में, स्टिक गेंदबाजी करते हुए, पिछली बॉल भी अच्छी थी, दिशा से जरूर भटके थे, लेकिन विकेट कीपर भी वहां पे चूके। अगली बॉल, अच्छा ड्राइव, फील्डर वहां पर तैनात थे, नो बॉल का भी सारा अंपायर का, और बॉल निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, पॉइंट और एक्स्ट्रा
जो गली होती है उसके बीच से क्या सुंदर शॉट खेला, ऑफ साइड में उछाल लेती हुई बॉल थी। मुकेश सली अगली बॉल वाइड का इशारा और इस एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर 37 रन। पांचवा ओवर जारी स्कोर 37 रन। फिर से वाइड बॉल, बॉलर हंसते हुए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन नियंत्रण रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा रनों पे। अच्छा ड्राइव, फील्डर वहां पे तैनात, इस बार अच्छी फील्डिंग, रन नहीं मिलेगा। जैसे तैसे डॉट बॉल जरूर आई। चले मुकेश, छोटा रन अप, अच्छा ड्राइव, जानते हैं कि थर्ड मैन क्षेत्र में वहां पे कोई फील्डर नहीं है। दर्शकों ने बताया कि चार रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए संदीप, इस बार अच्छी बॉल। अगली बॉल, अच्छा ड्राइव, कट किया थर्ड मैन क्षेत्र में, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, दो रन ले जाते अगर कोशिश करते, लेकिन रन एक ही मिलेगा। इस एक रन के साथ ही स्कोर 43 रन। अच्छा ड्राइव, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, अच्छी फील्डिंग, कवर पे जो खिलाड़ी डीप खड़े थोड़े भाई 6:29 जी क्या मनस गया मान्य यार के नाम भाई बोलो मुकेश। एक बार फिर से सभी दर्शकों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और नए साल की राम राम करते हैं। इसी बीच कैच को क्या तब्दील करेंगे? जी हाँ, उछाल कर खेला मिड विकेट पे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मुकेश, आउट होकर निराश कर दो से संदीप, सॉरी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। क्या नाम है भाई? स्क्वायर लेग क्षेत्र में क्या सुंदर बाउंड्री, वहां पे अपने आप को पोजीशन में किया घूमकर, क्या सुंदर शॉट लगाया, निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। बॉलर को नाम दिया मुकेश। एक वो पानी और डब्बों के टपड़े वो पुगाते यार, सारा दर्शक डिकल लाग रहा है। कैच तो था, हमें भी सुनाई दिया था यहां से, लेकिन विकेट कीपर देखिए, दूसरा कैच छोड़ दिया इन्होंने। एक पहले कैच छोड़ा था और दूसरा, और थर्ड मैन पे भी खराब फील्डिंग, नतीजा थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, चार रन। इक्कीस रनों की आवश्यकता। कैच आउट, खेल लो कौन आवे, कौन जी कर। दो बोलों में
21 रन चाहिए जीत के लिए। अगला जो मैच है आनंद आएगा दर्शकों को, दोनों ही बड़ी टीमें। वाह क्या बात है, अगली बॉल अंपायर लगा ली सोनू यार, मैं तकलीफ डाउन हो गया। इस मैच के विनर है चोबरजा। अगला मैच